बदलापुर प्रकरण को लेकर राजनीति के सवाल पर महिला कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष संध्या सवालाखे ने कहा है कि इस प्रकरण पर कौन राजनीति कर रहा है, यह सबको दिख रहा है। हम न्याय के लिए आंदोलन करें तो उसमें भाजपा को राजनीति दिखती है। सवालाखे ने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। बुधवार को प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में सवालाखे बोल रही थी। उन्होंने कहा, बदलापुर प्रकरण में पीड़ित की मां को 12 घंटे तक पुलिस थाने में बैठा कर रखा गया, शिकायत नहीं ली गई। घटना के 4 दिन बाद कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण प्रकरण को दबाने का प्रयास किया गया। गुरुवार को कांग्रेस की ओर से संविधान चौक में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी सहभागी होगी। महायुति सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सवालाखे ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये की रिश्वत देने के बजाय विधानसभा चुनाव में आरक्षण दे। राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं पर अत्याचार कम होगा। मोदी सरकार ने 33% महिला आरक्षण का केवल प्रस्ताव पारित किया है, उसके अमल की रुचि नहीं दिखाती है। उसके लिए 2029 तक महिलाओं की प्रतीक्षा करनी होगी। 33% महिला डोळा ठेवून गेले आणि भाऊजी जे करतायत ते मनापासून करतायत। तुम्हाला माहिती आहे युपीमध्ये 40% महिलांना तिकीट दिल्या गेल्या। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज।